अभी तो बेचारा खुद पढ़ता है, स्टूडेंट ही है, तो कुछ अभी कमाता नहीं कि ला के देगा, बट जो भी उसने ला के दिया है तो मैं पहन लेती हूँ और हर साल मैं उसी का दिया हुआ चूड़ी पहनती हूँ, क्योंकि कहीं कहीं जाता है धाम वगैरह पढ़ना, तो मेरे लिए चूड़ी वगैरह कुछ सिंगार का सामान लेते आता है, तो जितिया में मैं ज़रूर पहनती हूँ उसको। और अभी मैं आ गई हूँ छत पे जल देने के लिए, उसके बाद जो है आगे का पूजा पाठ करूँगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें मैं थाली में निकाल के रख रही हूँ, जैसे सिंदूर रोरी हो गया, अक्षत वगैरह फूल, ये सब देख लेती हूँ। और इस डिबिया में सिंदूर कम था तो मैं और इसमें भर लेती हूँ। पूजा का सिंदूर मैं अलग रखती हूँ, पीला वाला, तो इसमें निकाल लेती हूँ। और सबसे पहले मैं घर में पूजा करूँगी नीचे, और जितिया पूजा जो है मैं छत पे करूँगी। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। से रेडी हो गई हूँ और थाल में मैंने सजा लिया पूजा का, घर में भी यहाँ पे पूजा कर लिया है, और अब चलती हूँ छत पे, छत पे ही पूजा करूँगी जितिया का। और देखिए ये चूड़ी मैंने पहनी है, पता है क्यों? क्योंकि ये विशाल ने ला के दिया था जब, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज बेटे का ही दिया हुआ कुछ पहना जाए। तो चूड़ियाँ तो वही है, और ये जो इसमें बाला लगा हुआ है ना कंगन, वो मेरी ननद ने दिया था, तो सोचा कि पहन लेती हूँ। सो दोस्तों, आज है जितिया पर्व, सभी माताओं बहनों को मेरी तरफ से जितिया की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कैसे पूजा करती हूँ ये मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए ऊपर चलते हैं छत पे और पूजा करते हैं। दोस्तों मैं छत पे आ गई हूँ, थोड़े से फूल और तोड़ लेती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ छत पे ही तुलसी जी, शिवलिंग और समी देवता हैं, तो उनकी भी पूजा कर लेती हूँ। घर में तो नीचे पूजा कर ही ली है, अब यहाँ पे कर लेती हैं, उसके बाद करेंगे आराम से जितिया की पूजा। और मैं ज़्यादा रात में पूजा नहीं करती हूँ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं होंगे, 4:30-5 इस तरह से हो रहा है, तो दिन रहते ही हम लोग पूजा कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग झूर की तो पूजा करते नहीं, क्योंकि एक कुसा घास होती है उसका लवकुश बनाया जाता है, और रात में सब सामूहिक रूप से उसकी पूजा करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ वो वाला पूजा नहीं होता है दोस्तों, हम लोग समय हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं। तो देखिए फर्श को मैंने पहले धो दिया था, वैसे आज बारिश भी सुबह में हुई थी तो पूरा छत धुल गया था, उसके बाद भी मैंने यहाँ पे पानी से धो दिया था, गंगा जल छिड़क के, और टीका लगा दिया, अक्षत फूल चढ़ाऊँगी और जितिया को भी मैं पूछ के यहीं पे चढ़ाऊँगी। तो मैंने ले लिया है आज फल में केला, एक ही फल से हम लोग पूजा करते हैं, और केला हो सेब हो जो भी बन पड़ता है वो रख लेते हैं और चढ़ाते हैं। तो मैं इसी तरह जितिया का व्रत करती हूँ दोस्तों, जो भी जैसे भी मैं करती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। वैसे तो जितिया में जीमूत वाहन जी की पूजा होती है, लेकिन हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ है, हम लोग इसी तरह से करते हैं, मायके भी में भी ऐसे ही देखा था मैंने, हमेशा से ऐसे ही होता है, और जहाँ मैं आई हूँ ना ससुराल में, वहाँ भी ऐसे ही होता है, इसलिए मैं भी इसी तरह से करती हूँ। तो जितिया को पूज के यहाँ पे चढ़ा दिया है, और अब अगरबत्ती जला लूँगी, हवन कर लूँगी, हमारा पूजा जो है सम्पन्न हो जाएगा। समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। ऐसी जीत तो दोस्तों हमारा हवन हो गया है,
और हमारा जितिया अभी तक तो सफल रहा है, रात तक देखते हैं कैसा रहता है। अभी तो मुझे भूख प्यास कुछ नहीं लगी है। वैसे जितिया पर्व तो नहाए खाए से ही शुरू हो जाता है, नहाए खाए के कुछ नियम होते हैं वो मैंने कर लिए हैं, और हमारे यहाँ जैसे होता है मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया। जितिया में बहुत सारे नियम होते हैं और सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, जिनके यहाँ जैसा होता है वैसा करते हैं, मेरे यहाँ जैसा होता है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। वैसे जितिया जो है आश्विन महीने के अष्टमी तिथि को किया जाता है, और इस दिन सभी माताएं जो है एकदम निर्जला फास्ट रख के अपने बच्चों की लंबी उम्र, सेहत और उनके सुखमय जीवन के लिए कामना करती हैं, उनके लिए व्रत रखती हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है। तो बस दोस्तों मेरी पूजा हो गई है, पानी ढार के मैंने प्रणाम भी कर लिया, और अब जितिया को ना हवन की आग से सेंक लगाऊंगी और विकास को बुला के पहना दूंगी। तो दोस्तों मैंने विकास को बुला के हवन भी करा दिया और पहनाया भी गले में, लेकिन मेरे जितिया इस बार बहुत छोटा गुथा गया, उसके गले में आया ही नहीं, तो फिर मैंने रहने दिया, देखती हूँ मेरे गले में अभी आता है या नहीं। पूजा करने के बाद सारा सामान हम लोग रखा है नीचे, और यहाँ पे अभी दोनों हस्बैंड वाइफ टहल रहे हैं, इन्होंने आज मेरी बहुत हेल्प की वीडियो बनाने में, तो एक लाइक इनके लिए भी कर दीजिएगा। बाहर का काम भी करते हैं और थोड़ा बहुत मेरी हेल्प भी कर देते हैं। देखिए ये सब फोटो उन्होंने ही निकाला है। सो दोस्तों हमारी पूजा हो गई है, यहाँ पे कुछ इस तरह से होती है हमारे यहाँ की पूजा, जैसे हम लोग करते हैं वैसे मैंने शेयर किया है। बहुत लोग लवकुश की पूजा करते हैं, माता सीता और श्री रामचंद्र के पुत्र थे लवकुश, उन्हीं की पूजा होती है आज। लवकुश का मतलब कि पुतला बना के पूजा किया जाता है, और मार्केट में भी बना बनाया मिलता है, बट मैंने कभी पूजा नहीं किया था। इसी तरह से शुरू से ही करते आ रही हूँ, तो वैसे ही किया है। और आज निर्जला रहेंगे, रात में भी शरबत पानी कुछ नहीं पियेंगे। बहुत लोग जो हैं शरबत पीते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं पिया है आज तक, जब जितने साल भी मैंने किए हैं ना, तो शरबत पानी कुछ नहीं पिया है, बस ऐसे ही। तो आज भी ऐसे ही रहूँगी एकदम निर्जला। सुबह में ही कुछ खाया जाएगा, तो सुबह में हमारे यहाँ पहले मरुआ और मरुआ से बनी चीज़ें खाते हैं, या फिर प्रसाद जो हो गया केला वगैरह वही, और उसके बाद खाना बनेगा तो वो सब खाया जाएगा। आज की वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ इन, कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। हमारे यहाँ का पूजा जैसे मेरे यहाँ होता है मैंने शेयर किया है, आप लोग के यहाँ जैसे होता होगा मेरे साथ शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो का करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तो कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। तो देखिए दोस्तों नीचे आके मैं जितिया पहन रही हूँ, क्योंकि विकास के गले में ये हुआ ही नहीं, बहुत छोटा है, और मुझे भी दिक्कत हो रही थी पहनने में, तो किसी तरह से मैंने पहन लिया है, क्योंकि जितिया तो है तो पहनना ही पड़ेगा। अब जब छोटा हो गया है तो किसी तरह से मैंने पहना, देखिए मेरे गले में एकदम टंगा हुआ सा है। वैसे तो अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा और बड़ा होता ना तो ज़्यादा बढ़िया रहता। देखती हूँ कब तक पहन पाती हूँ, नियम रहता है पहनने का तो कम से कम 8-10 दिन तो पहनूंगी ही, उसके बाद अगर आदत हो जाएगी तो मेरे गले में रहेगा, नहीं तो फिर निकाल के रख दूँगी। सो माय यूट्यूब फैमिली, हमारी पूजा हो गई और देख सकते हैं आप एकदम अब अंधेरा होने ही वाला, थोड़ी ही देर बाकी है। तो हम लोग हमेशा दिन रहते ही पूजा कर लेते हैं, बहुत से लोग जो है रात में करते हैं, लवकुश की पूजा करते हैं, उनका मतलब झूर का लवकुश बना के पूजा किया जाता है, बट मेरे यहाँ शुरू से ऐसे ही होता है दोस्तों, इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। और जितिया देखिए, पहले मैंने विकास को पहनाया था, उसके बाद मैंने पहन लिया एकदम, इस बार धागे में गुथाया तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा छोटा मुझे लग रहा है, थोड़ा सा और बड़ा रहना चाहिए था, बट कोई नहीं, बाद में फिर दूसरा में गुथवा लिया जाएगा। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आप सबसे अगले ब्लॉग में, और हो सकेगा तो पारम का ब्लॉग आएगा, अगर सुबह तक मैं ठीक रही, खाना वाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो उसका भी ब्लॉग बनेगा दोस्तों। और आप लोग मेरा सपोर्ट करिएगा मेरे वीडियो को फुल वॉच करके। तो चलिए मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब के लिए नमस्कार प्रणाम दोस्तों, और एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी माताओं को जितिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।